हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैशन यू चेतना। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अभी जो सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। घर से बाहर मत निकलो, घर के अंदर ही रहो। हम भी बोर हो रहे हैं, बट किसी ना किसी तरीके से मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, चाहे अपना वीडियो बनाती हूँ, चाहे कुछ ना कुछ कुकिंग करती हूँ, या कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आती हूँ। सो कुछ भी कीजिए, बट घर में रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। हो सके तो गर्म पानी पीजिए, गर्म खाना खाइए, जितना हो सके अपना ध्यान रखिए। बाकी हो जाए तो वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ टी शर्ट हॉल। जैसा कि अभी समर है तो मुझे घर के लिए कुछ टी शर्ट चाहिए थे, एंड प्लस अपने वीडियोज़ के लिए भी। जैसे कि मैं अपने वीडियोज़ बनाती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ टी शर्ट्स परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी ना टी शर्ट की थोड़ी कमी हो गई है। एंड मैंने सोचा कि कुछ अच्छे क्वालिटी के टी शर्ट परचेज़ कर लेते हैं, जिनको मैं बाहर भी पहन सकूँ और घर में भी मैं चाहूँ तो स्टाइल कर सकूँ। सो मैंने कुछ अफोर्डेबल रेंज में टी शर्ट पिक किए हैं फ्रॉम आजियो, क्योंकि आजियो पे अभी डिस्काउंट चल रहा था। सो अब अगर मैं एक दो टी शर्ट परचेज़ करती तो शायद मे भी मुझे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता। सो आई पिक 6 टी शर्ट फ्रॉम आजियो, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में पड़ गए हैं। अप्रॉक्स 2100 के अंदर मैंने 6 टी शर्ट्स पिक कर लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो एक्स्ट्रा कूपन कोड एंड विथ HDFC डिस्काउंट मुझे बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया। मुझे 2100 में अच्छे खासे टी शर्ट्स मिल गए हैं। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। और कुछ भी खरीदना हो तो प्लीज़ आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। एंड अगर आप कुछ वैसे मैं शॉपिंग के जो हॉल्स हैं वो बना बना के थोड़ी बोर सी हो रही हूँ, बट स्टिल मैं लेकर आ रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लाने का मन कर रहा है। तो आप मुझे कुछ ऐसे सजेशन अपने कमेंट में दे सकते हो, या फिर मुझे DM कर सकते हो कि आप कुछ क्रिएटिव आइडिया लेकर आओ, या आपके दिमाग में कुछ ऐसा हो कि मैं कुछ क्रिएटिव करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। प्लीज़ ऐसे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ बताइए, ताकि करने में भी मज़ा आए। एंड बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, कि मैंने कौन कौन से टी शर्ट्स पिक किए हैं। नाउ फर्स्ट टी शर्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। ये डार्क स्काई ब्लू कलर का, एंड यू नो इस टाइप की zigzag लाइन बनी हुई है ब्लैक कलर की, एंड इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे। आई थिंक वाइट एंड एक क्रीम कलर है। सो इसमें जो साइज मुझे 36 आता है, बट मैंने 40 साइज पिक किया है, क्योंकि ये जो हाई नेक वाले टी शर्ट्स आते हैं उन्हें यूजुअली क्या होता है कि ये ऑलरेडी बहुत स्मॉल साइज में बहुत स्किन फिटिंग वाले होते हैं। सो मैं लूज पहनना पसंद करती हूँ, मुझे एकदम स्किन फिटिंग वाले टॉप पसंद नहीं है। सो मैंने इसमें 40 साइज पिक किया, और एकदम थोड़ा सा लूज फिटिंग वाला टी शर्ट मुझे आया है। सो इसकी क्वालिटी एंड इसकी जो फिटिंग आई है मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, और प्लस इसका कलर ऑप्शन तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसकी 3/4 स्लीव्स आती है, एंड ये थोड़ा सा क्रॉप टॉप भी बन सकता है, क्रॉप टाइप की इसकी लेंथ है, फुल लेंथ वाला ये टॉप नहीं है, टी शर्ट नहीं है। सो इस टाइप की टी शर्ट को आप चाहो तो घर में स्टाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको बाहर भी स्टाइल कर सकते हो। मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ अपनी वीडियोज़ के लिए, प्लस मैं जब सिचुएशन सही होगी बाहर जाऊँगी तब इसे यूज़ करूंगी। सो घर में तो मैं इसे नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है। नेक्स्ट टी शर्ट जो है वो ये ब्राइट पिंक कलर की है, जिस पे लिखा हुआ बर्ड्स ऑफ प्रे, एंड ये कुछ शेडो टाइप का ग्राफिक्स टी शर्ट है। सो इसमें ये क्रॉप टॉप टी शर्ट है, आपको क्रॉप जहाँ आपकी वेस्ट आती है उतना इसका लेंथ है, 22 लेंथ होगा इसका शायद। और इसका जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन है, समर के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट टी शर्ट है। आप इस टाइप की टी शर्ट को आप चाहो तो घर में स्टाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप बाहर जा रहे हो तो भी स्टाइल कर सकते हो। सो मुझे ये वर्थ लगी, और प्राइस जो है आई थिंक इसका 350-395 ऐसे ही कुछ मैंने पे किया। वैसे स्क्रीन पे दिख जाएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट के साथ में जो प्राइस मैं अपने जो मैंने ऑर्डर लिस्ट है उसमें से देख के आपको मेंशन कर दूंगी। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बट थिंग इज़ दैट कि थोड़ा सा डल पिंक होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कभी कभी ये ब्राइट पिंक है ना, इसमें पिक्चर्स अच्छे नहीं आते अगर आप बाहर के लिए वियर करने का सोच रहे हो, अदरवाइज़ घर के लिए तो एकदम परफेक्ट है ये। एंड इसका जो ब्रांड है वो बर्ड्स ऑफ प्रे है। सो मुझे इसकी क्वालिटी एवरीथिंग बहुत ही अच्छी लगी, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा टी शर्ट है ये।
एंड नेक्स्ट टी शर्ट जो मैंने पिक करी है ये इस टाइप की रेनबो कलर का सा डिज़ाइन बना हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइन बना हुआ है एंड ये वाइट कलर की टी शर्ट है। ये आउटराइट ब्रांड्स हैं एंड जो ब्रांड एंड जो अमाउंट मैंने पे किया है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, इस टाइप की टी शर्ट को मैं चाहूँ तो घर में भी स्टाइल कर सकती हूँ, बट इसको मैंने अभी जो मैंने कलरफुल बॉटम वियर पिक किए हैं मिंत्रा से, उसमें वो सारे ही बॉटम वियर पे ये मेरी टी शर्ट बहुत अच्छी जा रही। तो बेसिकली मैंने ये घर के लिए मंगाई थी बट मैं इसको बाहर या अपनी वीडियो के लिए स्टाइल करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी है एंड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है इसकी। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आउटराइट ब्रांड तो आपको बताइए कितनी अच्छी ब्रांड है। सो ये आई गेस मुझे 399 रुपीज़ ऐसे ही कुछ पड़ा है। सो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एवरीथिंग बहुत ही अच्छा आया है। एंड नेक्स्ट टॉप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सॉरी नेक्स्ट टी शर्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ बेबी पिंक कलर की है और इस पर लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली ऑल शेड्स ऑफ पिंक एंड ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत ही सिंपल सी टी शर्ट है, आप चाहो तो इस टाइप की टी शर्ट को घर में स्टाइल कर सकते हो और प्राइस भी शायद इसका बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 200 और 220 रुपीज़ है एंड इसमें आपको कलर ऑप्शन शायद एक वाइट कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा बट मुझे वाइट कलर में थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। तो इस टी शर्ट को मैं बेसिकली घर में स्टाइल करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ खास नहीं लगे। सो नॉर्मल कॉटन का टी शर्ट है सो मैं इसको घर में स्टाइल करूँगी, अदरवाइज़ कभी कभी मैं आप चाहें तो इस टाइप की टी शर्ट को बाहर भी स्टाइल कर सकते हो विद डेनिम जैकेट। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड क्वालिटी फैब्रिक और सो अफोर्डेबल। सो आजियो पे क्या आना है कि बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में आपको बहुत ही गुड रेंज की टी शर्ट देखने को मिल जाती है एंड वैसे भी मुझे आजियो ब्रांड बहुत ही अच्छा लगता है शॉपिंग के हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल वेबसाइट है फॉर द किड्स मैन एंड वुमेंस जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड गाइज आई होप आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, हेल्पफुल रहे तो मुझे कमेंट करके बताना एंड मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्लीज़ क्रिएटिव वीडियोस के आइडियाज़ दीजिए या फिर आपके माइंड में कुछ सजेशन हो तो मुझे दीजिए तो मैं वो वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। दैट्स ऑल अबाउट माय वीडियो एंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना और इनमें से कोई भी टी शर्ट पिक करते हो या आपको कोई पसंद आती हो तो भी मुझे कमेंट करके बताना कि यार दीदी आपने ये वाली टी शर्ट बहुत ही अच्छी पिक करी, आपकी चॉइस बहुत अच्छी, ऐसा कुछ बता सकते हो यार। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।